हेलो दोस्तों, मैं अनिल वैष्णव आज आपको एप्सन L220 के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको L220 से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो हार्डवेयर से संबंधित हो या सॉफ्टवेयर से संबंधित, तो आपको 100% सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। बस आप हमारा ये वीडियो देखें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे जो इस प्रिंटर में प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या हार्डवेयर से रिलेटेड है, तो इसके सिम्टम्स हम जान लेते हैं। पहले इस प्रिंटर को ऑन करते हैं। स्टार्ट बटन हमने दबाया। जैसे स्टार्ट बटन दबाया तो ये रेगुलर ब्लिंक करता हुआ अपनी नज़र आएगा, और इसके अंदर ये बेल्ट भी नहीं चल रहा। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉब्लम है आप इसके क्लियरली एकदम देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है, ये इसमें कोई हार्डवेयर एरर नहीं है, ये सिंपल सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। ये सिंपली सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, और ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम जो है काउंटर प्रॉब्लम कहलाती है इसके अंदर, और ये हम इजीली सॉफ्टवेयर के थ्रू बता देंगे। यदि हम इसमें टेस्ट पेज देना चाहेंगे तो एक एरर अपियर होगी, और वो अपियर मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, कैसे आपको नजर आएगा। यहाँ हम टेस्ट पेज दे रहे हैं और इससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, एप्सन सर्विस रिक्वायर्ड, ए प्रिंटर लिंक पैड इज एट द एंड ऑफ इट्स सर्विस लाइफ, प्लीज कॉन्टेक्ट एप्सन सपोर्ट्स। यदि आपकी स्क्रीन पे ऐसा ही मैसेज मिले आपके प्रिंटर के थ्रू, तो आप ये समझ लीजिए आपकी इस प्रिंटर में कोई हार्डवेयर से रिगार्डिंग कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सॉफ्टवेयर से ही रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे रिसॉल्व करेंगे। हमने एप्सन का एक एडजस्टमेंट प्रोग्राम रिसेटर स्टार्ट किया है, एक exe फाइल है, एग्जीक्यूटिव फाइल, इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर जो भी पासवर्ड ये मांगे हम दे देंगे। और इसमें सेलेक्ट बटन को सेलेक्ट करेंगे, इसमें अपने को जो मॉडल नंबर है हमारा वो इसमें सेलेक्ट करके, और ऑटो सेलेक्शन ओके पे क्लिक करेंगे। देन पर्टिकुलर एडजस्टमेंट मोड पे हम क्लिक करके वहाँ से वेस्ट इंक पैड काउंटर जो है उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करेंगे, और इस पे मैन पैड काउंटर पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके हम चेक बटन पे क्लिक करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा हमारा काउंटर कितना हो गया। यहाँ 100% शो हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि टोटली मतलब आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है। तो हम देख चुके हैं यहाँ पे 100% काउंटर है। अब हम फिर से मेन पेड काउंटर पे जाके और इसको इनिशियलाइज बटन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ये इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं हमारे पास में व्हेन द क्लिक ऑफ ओके बटन, तो हम ओके कर देंगे। और इस तरह से ये प्रिंटर हो चुका है इनिशियलाइज, और यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है प्लीज टर्न ऑफ द प्रिंटर, और हम अब प्रिंटर को ऑफ कर देंगे। ये हमने टर्न ऑफ कर दिया प्रिंटर को, और इसको एक बार फिर से रिस्टार्ट करेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि ये वापस ब्लिंक आता है या नहीं आता। और आप देख चुके हैं कि यहाँ पे बिल्कुल प्रिंट निकल चुका है, और यहाँ पे जो हेड है वो इजीली मूव करने लग गया है। तो ये थी काउंटर प्रॉब्लम, जो अक्सर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसका हार्डवेयर से कोई लिंक नहीं है। तो अब ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, और हम फिर से स्क्रीन पे देखेंगे, वेस्ट इन पैड काउंटर पे वापस देखेंगे और चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 0% आपको शो हो रहा है, और इस तरह से हम देख के फिर फिनिश कर देंगे। ये हो गया इसका सॉल्व। तो दोस्तों, अब ये हो चुकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर अब कोई इश्यू आपको हार्डवेयर से रिलेटेड है, मान लीजिए पेपर का अटक जाना या कुछ और सेंसर का काम नहीं करना, तो वो कैसे सोल्व करना है हम अपने अगले वीडियो में इसको जरूर मेंशन करेंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो का फायदा उठाएं। अगर आप हमारे द्वारा इस प्रिंटर को रिसेट करवाना चाहते हो, तो जो कमेंट्स आप नीचे अभी देखेंगे उसमें मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए और हम आपको इसका सॉल्यूशन कर देंगे। और इसका जो चार्जेस होगा एकदम मिनिमम होगा,
मिनिमम से मिनिमम मतलब की। और ये जो पैसा होगा वो सिर्फ गो सेवा के नाम से ही जाएगा, ठीक है? तो आप ये सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा फायदा उठाएं इसका।